सेकंड पार्ट जो आपका रहता है सर उसका नाम क्या है लाइन प्रिंटर जो लाइन में क्या करता है जो कैरेक्टर में देखो कैरेक्टर प्रिंटर कैरेक्टर में ठीक है कैरेक्टर अक्षरों में क्या करता है आपका प्रिंटिंग करता है लाइन प्रिंटर मतलब लाइन में प्रिंटर ओके सर ठीक है तो लाइन प्रिंटर भी दो तरह का है सर लाइन प्रिंटर भी दो तरह का है पहला है सर ड्रम प्रिंटर इसमें पहली तरह का जो प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर क्या है ड्रम प्रिंटर दूसरी तरह का है सर चेन प्रिंटर कौन सा है सर चेन प्रिंटर ओके बस इसमें कुछ भी नहीं आता है सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपका कि इंपैक्ट प्रिंटर कितनी तरह के होते हैं दो तरह के कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर कितनी तरह के होते हैं दो तरह के पहला ड्रम और दूसरा चेन प्रिंटर ठीक है सर सो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टाइम जिसमें हमने बोला था कि प्रिंटर दो तरह के होते हैं फर्स्ट हमने पढ़ लिया इंपैक्ट और इंपैक्ट में क्या क्या था आपका इंपैक्ट प्रिंटर में था कैरेक्टर प्रिंटर कैरेक्टर के बाद था आपका लाइन प्रिंटर ठीक है ओके और आपके लाइन प्रिंटर भी दो तरह के थे और आपके कैरेक्टर प्रिंटर भी दो तरह के थे सो अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप का प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स ठीक है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स देखो ये जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग लिख सकते हो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में कार्ट्रिज और टोनर फिल होते हैं क्या फिल होते हैं कार्ट्रिज और टोनर फिल होते हैं ठीक है इनमें क्या फिल होते हैं क्या किन से इसमें क्या क्या फिल होता है क्या क्या किन किन से बनते हैं कार्ट्रिज और टोनर से ठीक है तो आप लोग लिख सकते हो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में कार्ट्रिज और टोनर फिल होते हैं ओके और आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स भी सर दो तरह के होते हैं कितनी तरह के होते हैं सर दो तरह के पहला होता है सर इंजेक्ट प्रिंटर ठीक है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन आता है सर पहले इंजेक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन सा आता है सर लेजर प्रिंटर क्या आता है सर लेजर प्रिंटर और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला है फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं और सर लेजर प्रिंटर का दूसरा नाम है पेज प्रिंटर बस यही आने वाला है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बस यही है ठीक है पेज प्रिंटर ओके सो हम लोगों ने पढ़ा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो किससे बने होते हैं या किससे फिल होते हैं कार्ट्रिज और टोनर से फिल होते हैं सर ठीक है और उसमें पहली तरह का जो प्रिंटर है इंजेक्ट प्रिंटर है दूसरा है लेजर प्रिंटर और लेजर प्रिंटर को क्या बोलते हैं पेज प्रिंटर ठीक है और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी बन जाता है DPI की फुल फॉर्म तो DPI की फुल फॉर्म क्या है सर डॉट्स पर इंच ठीक है डॉट्स पर इंच क्लियर है तो हमने क्या कर लिया प्रिंटर्स पढ़ लिए प्रिंटर को क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस ठीक है सो नेक्स्ट हम सर आउटपुट डिवाइस करने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस आपकी क्या है सर स्पीकर क्या है सर स्पीकर है सर ठीक है तो आपका एक क्वेश्चन सिंपली बन जाता है कि स्पीकर इनमें से कौन सी डिवाइसेज है तो कौन सी डिवाइसेज है सर आउटपुट डिवाइसेज है सर कौन सी डिवाइसेज है सर आउटपुट डिवाइसेज ठीक है तो आप लोग स्पीकर का यूज लिख सकते हो ठीक है लिखो पीसी या कंप्यूटर में ठीक है पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर में ठीक है पीसी में या कंप्यूटर में साउंड का यूज करना चाहते हो तो साउंड कार्ड का होना जरूरी है ठीक है अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग किसका साउंड सुनना चाहते हो आवाज सुनना चाहते हो पीसी में ठीक है पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर में तो हम लोगों को किसका यूज करना पड़ेगा साउंड कार्ड का ठीक है साउंड के लिए किसका यूज करेंगे साउंड कार्ड ठीक है पीसी में साउंड के लिए किसका यूज करेंगे सर साउंड कार्ड का किसका यूज करेंगे सर साउंड कार्ड का और साउंड कार्ड आपका क्या है सर हार्डवेयर क्या है सर हार्डवेयर दो से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं ठीक है स्पीकर क्या है आउटपुट डिवाइसेस है और स्पीकर अगर हम लोगों ने क्या करना है सर अगर हम लोगों ने क्या करना है आवाज सुननी है साउंड सुननी है कहां कंप्यूटर में हम सुनना चाहते हैं ठीक है साउंड सुनना चाहते हैं तो किसका यूज होगा सर साउंड कार्ड का किसका यूज होगा सर साउंड कार्ड का और साउंड कार्ड को हम क्या बोलते हैं सर ये हार्डवेयर है ठीक है ये हार्डवेयर है जो जो मदरबोर्ड के साथ
अटैच होता है, जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है, ठीक है, अटैच होता है, ठीक है। साउंड कार्ड किसके साथ अटैच होता है सर? मदरबोर्ड के साथ। किसके साथ सर? मदरबोर्ड के साथ, ठीक है सर। ये आप लोग लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड कार्ड किसके साथ अटैच होता है? किसके साथ? मदरबोर्ड के साथ। साउंड कार्ड क्या है? क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। देखा ना आप लोगों ने साउंड कार्ड, ठीक है। और साउंड कार्ड मतलब स्पीकर, ठीक है सर, ओके। आवाज सुनने के लिए स्पीकर तो चाहिए, पर उसमें साउंड कार्ड पहले लगता है। क्लियर हो गया। और सर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है सर? मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सर सिस्टम बोर्ड। क्या नाम है सर? सिस्टम बोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड, और एक और नाम है सर इसका लॉजिकल बोर्ड। क्या नाम है सर? लॉजिकल बोर्ड। तो आप लोग याद रख सकते हो सर, हम लोगों ने स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है सर। क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है सर, ठीक है। और हमने अगर कंप्यूटर में साउंड क्या करना चाहते हैं? साउंड का यूज करना चाहते हैं, आवाज सुनना चाहते हैं, तो साउंड का यूज करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए सर? साउंड कार्ड चाहिए सर। और साउंड कार्ड क्या है सर? एक हार्डवेयर है जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है सर, मदरबोर्ड के साथ लगा होता है सर। और मदरबोर्ड का दूसरा नाम है क्या? क्या है सर? सिस्टम बोर्ड। और आपका क्या है? लॉजिकल बोर्ड। क्या है सर? लॉजिकल बोर्ड, ओके। सो आज हमने डिस्कस किया आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, दैट इज मॉनिटर फर्स्ट वन, वीडियो, और आपका दूसरा प्रिंटर, और थर्ड वन हम लोगों ने किया सर आपका स्पीकर, ओके। सो आज की क्लास में बस इतना ही। सो कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो आपका क्या रहेगा, आउटपुट डिवाइसेस। तो सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है, इससे पहले के पार्ट भी देख लिए हैं, सो ये आपका हेल्प करेगा आगे आने वाली क्लासेस में। इससे